तो पाकिस्तान अपनी पारी यहां पर खेल चुकी है 147 पर, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारतीय शेरों ने पूरी टीम को यहां पर ढेर कर दिया है। यह सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर खेल के मैदान से सामने आ रही है। भारत को जीत के लिए 148 रन की चुनौती यहां पर मिली है, यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय गेंदबाजों का वो जादू चल गया, उनकी वो मेहनत यहां पर सामने आ गई, जिसके चलते महज 147 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। 148 रन का जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। संदीप जी, क्या कहेंगे, बड़ा लक्ष्य या फिर एक ऐसा लक्ष्य जिसे भारतीय टीम बहुत आसानी से पार कर लेगी? क्रिकेट के खेल में आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो निर्णय लिया था उसको, उस निर्णय को बिल्कुल सही साबित किया हमारे गेंदबाजों ने। अच्छी हमारी फील्डिंग रही, अच्छी गेंदबाजी रही, ना शुरुआत अच्छी रही लेकिन बल्कि जो एंड अच्छा होना चाहिए वो एंड भी अच्छा रहा। भुवनेश्वर ने 4 विकेट यहाँ पर लिए, हार्दिक पांड्या ने भी अपनी एक बेहतरीन पारी यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पर रखी। क्या आपको लगता है सर, बहुत अहम किरदार निभाया हमारे गेंदबाजों ने? बिल्कुल, जो निर्णय कप्तान ने लिया टॉस जीत के फील्डिंग करने का, और जिस तरह का भरोसा फास्ट बोलर्स ने हमारे दिखाया है, भूवी ले लो, अर्शदीप ले लो या हार्दिक पांड्या ले लो, रेगुलर इंटरवल पे विकेट मिलती गई, गिराते गए, उसी का दबाव पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर गिरता गया और ज़्यादा लक्ष्य चेस करने को नहीं आया। भारतीय टीम को तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की। किरण जी, जो शुरुआत में हम कह रहे थे कि 5 से 6 ओवर ऐसे होने चाहिए कि दबाव यहां पर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को यहां पर किस तरह से देखते हैं? बहुत ज्यादा दबाव में इस बार मैदान में उतरी, जिसके चलते एक के बाद एक विकेट झटकते चले गए। क्योंकि जो बड़ी मछली थी बाबर आजम जी, तो वो जल्दी आउट हो गए, जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है। वो गेम मेकर है, वो गेम चलाते हैं और बढ़िया प्लेयर है, वो जल्दी आउट होते। डेफिनेटली देखो, दबाव पाकिस्तान बल्लेबाज पे आया, 2 विकेट खोए उन्होंने पावर प्ले में, उसके बाद विकेट आते रहे। रिजवान ने एक अच्छी बारी खेली, पर वो रन बॉल खेल रहे थे और उसे सामने वाले कोई टिक नहीं। मिडिल ऑर्डर का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे संदीप जी, कि वो मिडिल ऑर्डर जो पाकिस्तान को मजबूती के साथ यहाँ पर रखनी चाहिए थी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। अगर शुरुआती बल्ला चल जाता तो हो सकता है स्कोर लंबा होता, लेकिन शुरुआती बल्ला नहीं चला, ये हिंदुस्तान के भारतीय शेरों की दमखम के चलते। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सब कह रहे हैं कि जब ब्रेक थ्रू मिलता है पहले 6 ओवर में, तो उसका असर जो मध्यक्रम होता है, जो मिडिल ऑर्डर होती है, उसके ऊपर देखने के लिए मिलता है। रिजवान ने ये पैतरा आजमाया था कि एक तरफ से मैं जितना लंबा खेल सकूं उतना खेलने की उनकी अच्छी कोशिश रही, लेकिन वो भी बहुत अहम समय पे आउट हो गए। और तारीफ करनी चाहिए हमारे गेंदबाजों की, और जिस तरह से इन गेंदबाजों को हैंडल किया हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। क्या कहेंगे नरेंद्र जी, ये सबसे खास है, सबकी नजरें टिकी हुई थी उस तेज रफ्तार पर, उस तेज गेंदबाजी पर, जो एक भी मौका पाकिस्तानी टीम के शुरुआत के क्रम के जो बल्लेबाज रहे उनको ना दे, और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। खास करके तारीफ करने की हार्दिक पांड्या की, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह के विकेट्स, 3 इंपॉर्टेंट मेन प्लेयर्स को आउट किया, उसके बाद भूवी ने आके दबाव बना के रखा, फिर आखिरी में अर्शदीप ने किया, तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो पैकेज फास्ट बॉलर्स का था वो बेहतरीन था, उनको टिकने नहीं दिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, भारतीय गेंदबाजों ने, और खास करके तीनों फास्ट बॉलर्स ने जो जिम्मेदारी दी थी, जो भरोसा दिलाया था उनको, और जो एक्सपीरियंस उनके पास था, उस सारा एक्सपीरियंस आज इस मैच में झोंक दिया उन्होंने। चहल और जाडेजा के परफॉर्मेंस का अगर जिक्र करें किरण जी, एक भी विकेट नहीं, क्या आपको लगता है, एक उम्मीद थी, हालांकि ठीक है ये जिस रन को या जिस टारगेट को हम देख रहे हैं हमें लग रहा है कि उसे चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सर ने भी जैसा कहा कि फैसले से पहले फैसला देना गलत होगा, अभी हमें इस लक्ष्य को पूरी तरह से फोकस करना है, लेकिन फिर भी नहीं, बहुत दोनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। चहल के गेंद में खुद ने कैच छोड़े उन्होंने, आई थिंक उनको भी 2 विकेट मिल सकती थी। मुझे लगता है ओवरऑल जब दबाव आता है कोई भी टीम के ऊपर, तो स्पिनर भी उस पर छा जाते हैं, और दोनों स्पिनर, और मैं काफ़ी इम्प्रेस था जडेजा से गेंदबाज के, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। मुझे लगा थोड़ा एक और दे सकते थे जडेजा को बीच में आके। मुझे लगता है ओवरऑल बढ़िया गेंदबाजी। देखो ये लक्ष्य है हमारा इंडियन टीम का रन बनाने का, तो इतना आसान नहीं रहेगा। देखो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, खेल है, खेल में पासा पलट सकता है। 147 अच्छी बल्ले, अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ड्यू आ जाए पिच पे, तो और एडवांटेज मिले इंडियन टीम को। जो आखिरी पार्ट देखा आपने, जो आखिरी पारी यहाँ पर देखी, उसे किस नजरिए से सर आप देखेंगे? नहीं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये T20 का जो मामला होता है 1-2 रन से इधर ना उधर होता है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि 148 का जो टारगेट है वो बहुत छोटा टारगेट है। छोटा टारगेट हमेशा डेंजरस रहता है, आपने देखा होगा 83 वर्ल्ड कप में भी जो छोटा टारगेट था हमने उसको भी डिफेंड कर लिया था, लेकिन बहुत ज़रूरी है जैसे किरण ने कहा ये कि जो जिम्मेदारी अभी सबसे जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारी जो सलामी जोड़ी है उसके ऊपर है,
जो गलतियां, मैं ये नहीं कहूंगा गलतियां क्योंकि गलतियां कम हुई, हमारे तारीफ होनी चाहिए हमारे गेंदबाजों की। गलती करके जब गेंदबाज आउट होता है तो ब्लेम जाता है बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे ब्लेम नहीं देना देना चाहिए बल्लेबाजों को, यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए हमारे गेंदबाजों, जो अच्छा काम हमारे गेंदबाजों ने किया उससे भी बेहतर काम हमारे बल्लेबाजों को करना हो। तो रफ्तार का कहर सीधे सीधे तौर पर नयन जी यहाँ पर देखने को मिला उस पिच पर, जिसकी पावर हमें लग रहा था कि आज किसके पक्ष में होगी या उस पिच को समझते हुए भापते हुए कौन गेंदबाज जो है वो यहाँ पर बाजी मार जाएगा। अब भारत की स्ट्रेटेजी आपको अब कुछ मिनटों बाद क्या नजर आने वाली है, खासतौर से अब जब स्कोर हमारे पास टारगेट चेज करने के लिए 148 है। जैसे आपने कहा लक्ष्य हमारे सामने है, ज्यादा लक्ष्य नहीं है, 150 के आसपास का आंकड़ा है, ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, हमें आराम से खेलना है, अपनी बारी को बढ़ाना है, पार्टनरशिप जिस तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए, विकेट नहीं गंवानी, अगर आप विकेट नहीं गंवाओगे तो आप आराम से ये लक्ष्य पार कर पाओगे, पर अगर विकेट लेते गए पाकिस्तानी गेंदबाज, अगर वो दबाव बल्लेबाज पे डालेंगे, अगर हम विकेट गिरते गए हमारी, तो फिर दबाव हमारे पास आ जाएगा, विकेट नहीं गिरानी क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। किरण जी, क्योंकि शुरुआती 5 से 6 ओवर अगर हमारे लिए गेंदबाजी में सबसे ज्यादा खास रहे तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान भी उसी हिसाब से रखेगा। हमारे लिए हो सकता है इस वक्त हमें लग रहा हो 148 बहुत आसानी से, लेकिन अभी भी क्योंकि खेल का मैदान है, एक एक बॉल में एक एक रन, क्या आपको लगता है बल्लेबाजी का क्या क्रम आप देखते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी भारतीय टीम की तरफ से? कल की जो मैच थी हमने देखी थी अफगानिस्तान वाले, उसमें थोड़ा पिच पे कहता है जूस होता है, वो जूस था, आज थोड़ा सा जूस कम है, आज स्विंग बहुत कम देखने मिला, पिच बहुत बढ़िया है पर थोड़ी मदद मिल रही है फास्ट बॉलर को, आज आप आंकड़े देखो फास्ट बॉलर्स के बहुत बढ़िया रहे, तो सब ने गेंदबाजी अच्छी की आज फास्ट बॉलर ने, तो आई थिंक दबाव तो रहेगा इंडियन बल्लेबाज पर, पर अच्छी बल्लेबाजी करने पर बॉल बल्ले पर आ रहा है, जैसे शॉट्स देखने मिले, रिजवान ने शॉट्स मारे, स्क्वायर कट मारे, ड्राइव्स मारे, वो शॉट्स देखने मिले हैं, मुझे लगता है थोड़ा ड्यू फैक्टर भी आ जाएगा, उन्होंने थोड़ा सा संभाला, ड्यू फैक्टर से थोड़ा फायदा और हो सकता है इंडियन बल्लेबाज। किस तरह की बल्लेबाजी सर उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी कि बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है तो हमें एक भी विकेट यहां पर नहीं खोना है, भारतीय टीम के दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा स्कोर होता तो आपको पिच पर टिकना ही होता है, निहाओ ये छोटा एक टारगेट अगर देखा जाए, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी या फिर जो भी पाकिस्तान कह रहा था कि हम 200 से ज्यादा कर देंगे, उस तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, 150 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, किस तरह की बल्लेबाजी का आप ये पूरा स्ट्रेटजी के तौर पर देखते हैं? सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि अगर 20 जो ओवर हमारे खाते में है, अगर ये 20 ओवर खेलने में कामयाब रही हमारी भारतीय टीम की बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हासिल हो सकता है, होश के साथ जोश, लेकिन जोश के साथ होश दोनों गंवाना नहीं है, दोनों का यू नो संतुलन बराबर, जोश का जो बैलेंस है वो यहां पर रख के आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी करनी, उछाल है विकेट पे, बाउंस है, हमारे बॉलर्स को भी एक्स्ट्रा बाउंस मिला है, नई गेंद पे जो उछाल मिलना चाहिए फास्ट बॉलर को वो मदद जरूर मिल रही है, तो मेरे ख्याल से जो उछाल उनको, उनके भी तेज गति से बॉलर डालेंगे, उनके पास भी गति है, स्पीड है, अगर वो स्पीड का फायदा उठाने जाते उनको विकेट लेके ही मैच जीतना पड़ेगा, ओवर रन कंटेन करके नहीं जीत पाएगी पाकिस्तान, तो वो विकेट लेने जाएंगे, वो जब दबाव डालने जाएंगे तब विकेट फैल जाएगा, तुम्हारा फील्ड फैल जाएगा, तब तुम्हारे पास रन बनाने का मौका भी मिल जाएगा भारतीय बल्लेबाजों को। पाकिस्तान के गेंदबाजों को अभी आप फिलहाल किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनका फोकस जाहिर सी बात है रोहित होंगे, विराट होंगे, हमारे जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अब उनका मुकाबला यहां पर होने वाला है। देखो पाकिस्तानी गेंदबाज हमेशा फास्ट बॉलर काफी अग्रेसिव रहे और एग्रेशन दिखने मिलेगा, आपको बाउंसर भी देखने मिलेगा, काफी शॉर्ट गेंद डालेंगे, आगे भी डालेंगे, थोड़ा वेरिएशन उनके पास भी काफी है, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तो दो भी विकेट के लिए जाएंगे पहले 6 ओवर में, विकेट नहीं मिलेंगे 6 ओवर में तो उन पे दबाव और बढ़ेगा। तो हमारी ये खास कॉन्वर्सेशन आगे भी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अब नजरें टिकी हुई हैं भारतीय टीम की शानदार दमदार पारी को देखने के लिए।